मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित राम मंदिर सिग्नल पर एक किन्नर पर तेज धारी हथियार से हमला कर मौत की घाट उतार दिया गया। घटना के बाद किन्नरों ने बीच सड़क पर ही निर्वृत होकर विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। मौके पर एमएचपी पुलिस के अधिकारी और डीसीपी विशाल ठाकुर लोगों को समझाया और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। घायल हालात में किन्नर को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेक करते ही किन्नर को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में एमएचपी पुलिस ने दो शख्स को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। हमला क्यों किया गया इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। किन्नरों के दो गुट के बीच पैसे को लेकर किसी तरह का विवाद चल रहा था। पैसे के विवाद के चलते दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। हमने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जसवाल की रिपोर्ट। एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अति में वहाँ सुधीर फड़के चौक है। इस चौक में आज शाम को ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके कई लोग वहाँ बेगिंग के लिए खड़े रहे थे, तो वहाँ वो किसने खड़ा रहना उसके ऊपर उनका डिस्प्यूट हो गया। और उस डिस्प्यूट में अभी जो एक मयत हुआ है उसमें दो उनके ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ये लोग हैं, उन्होंने चाकू मार दिया। एक ही फैटल इंजुरी उसको एक चेस्ट में हुई है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। अभी ये खबर मिलने के बाद में आजू बाजू की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे वो यहाँ इकट्ठा हो गए और थोड़ा कमोशन वहाँ हुआ। स्पॉट पे एमएचबी कॉलोनी पुलिस स्टेशन या आजू बाजू के सब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, उन्हें वो इंजर्ड को शिफ्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली डाइड बिफोर एडमिशन टू द शताब्दी हॉस्पिटल। और दो लोग जिन्होंने उनको मारा है उनको पुलिस ने ताबे में लिया है, उनके खिलाफ़ बाकायदा मर्डर का गुन्हा दाखिल करने का काम चालू है और दोनों को इसमें अरेस्ट किए जाएंगे। सिचुएशन इज टोटली पीसफुल। अभी जो मरा हुआ आदमी है उसकी अभी तक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास आई है, वो ट्रांसजेंडर था नहीं था क्या था उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। थैंक यू।